राजस्थान में बीजेपी में देव दर्शन से राजनीतिक दर्शन का सुपरहिट मुकाबला रविवार से शुरू हो रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को भरतपुर के गौरवधन स्थित गिरिराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से दो दिवसीय देव दर्शन यात्रा की शुरुआत करेगी। वहीं रविवार को ही राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी में मां के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। पूनिया मां से चार विधानसभा उपचुनावों में जीत का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि चार उपचुनाव के नतीजों पर ही पूनिया की सियासी ताकत और भविष्य तय होगा। वसुंधरा राजे की त्रिपुर सुंदरी में गहरी आस्था है और हर बार चुनाव के नतीजों के वक्त राजे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मां के चरणों में बैठती है। वह हर राजनीतिक संकट और चुनौती का मुकाबला और नई शुरुआत मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन से करती आई है। इस बार मां का आशीर्वाद लेने सतीश पूनिया पहुंच रहे हैं और पार्टी में राजे का फिलहाल मुकाबला सतीश पूनिया से ही है। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा में न सभा होगी और न रैली, फिर भी भीड़ किस रैली या सभा से कम नहीं होगी। राज्य की राजनीतिक ताकत का खुलकर प्रदर्शन होगा और भरतपुर जिला ही नहीं, डिवीजन के राज्य समर्थक नेता और विधायक, पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री शामिल होंगे। वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले ही गोवर्धन राज्य की राजनीतिक ताकत का अखाड़ा बना। भरतपुर में राज्य गुट का दबदबा है और पिछले पंचायत चुनाव से लेकर स्थानीय निकायों में भरतपुर जिले में पिट चुकी है। इस यात्रा के बहाने राजे दिखाने की कोशिश की कि जनता से लेकर पार्टी का चेहरा राजस्थान में वो ही है और 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे के लिए राज्य की ये यात्रा पार्टी को दिखाने के लिए एक ट्रेलर भी साबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।